ओके सर, देखो, फाइंड रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, फ्रिक्शन नहीं है। तो कई लोग इसको कैसे करते हैं, जब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है वैसे कंपटीशन में, तो उन्होंने पूछा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, तो लोग फटाफट, अच्छा एक्सेलरेशन तो पता ही है मुझे, कैसे? उसे पूछा तो स्टूडेंट कहता है कि ये तो बहुत आसान है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, एम मास तो आएगा नहीं, तो नीचे की एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन 60, ऐसे ही होता है ना, एम जी साइन 60, जी साइन 60। तो यहाँ नीचे की एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन 30, तो नीचे की एक्सेलरेशन जी साइन 60, जी साइन 30। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, पहली एक्सेलरेशन में से दूसरी एक्सेलरेशन को माइनस कर दो। तो कितने लोगों ने इसमें से इसे या इसमें से इसे माइनस किया, पहला स्टेप ऐसा किया, कोई बात नहीं, ऐसा किया तो ऐसा सही नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा सही नहीं किया, ऐसा किया ना। बहुत लोग जब ये क्वेश्चन करके आते हैं या ऐसा करके आए, जब पहली बार आया तो लोगों ने ये कहा पेपर बहुत बढ़िया हो गया, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगी या होगी पक्का, जब की आई गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं वहां पर, उसने क्या पूछा, तो क्या ये वर्टिकल है, नहीं, वर्टिकल क्या होती है, ये होती है वर्टिकल, नीचे वर्टिकल है। तो फिर एक स्टूडेंट ने पढ़ लिया, वो कहता जी क्वेश्चन वर्टिकल है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उससे पूछा भाई क्या आंसर होगा, वो कहता देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कर रही है, इसके ऊपर नीचे, और इसके ऊपर भी कहाँ कर रही है, नीचे, तो जी में से जी गया, आंसर जीरो। कितने लोग एग्री करते हैं, सही, डरो नहीं, ऐसा लॉजिकली तो सही लग रहा है ना, जी एंड जी ऑनलाइन, ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं सर, क्यों? लेकिन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी तो एम जी तो नीचे होता है ना, तो गलत क्यों है, आंसर जीरो क्यों नहीं है, बताओ। एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स मैंने पढ़े हैं। हाँ देखो, ये एक्सेलेरेशन किसकी है, ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ब्लॉक से, ब्लॉक ने जनरेट की, नहीं तो अर्थ ने जनरेट की, ब्लॉक का तो वेट नीचे है, एक्सेलेरेशन जिससे कि ब्लॉक नीचे आ रहा है वो तो ये है ना जी साइन 60, उसका जी से क्या, जी तो एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कितनी एक्सेलेरेशन से जो ये ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, आप क्या बोलेंगे, जी साइन 60, ऐसे करेंगे। अब ये बताओ कि अगर मैं यहां वो कंपोनेंट्स का वो ये ऐसे ड्रॉ करूं डायग्राम, ऐसे मेरी वर्टिकल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी। अब ये बताओ कि एक्चुअल में कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, जी साइन 60। पर मेरे से ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन इधर क्या होगी, इधर क्या होगी, एक काम करो अगर ये 60 तो इंक्लाइन प्लेन की वजह से ये भी कितना 60, और अगर ये 60 तो ये कितना 30, क्योंकि ये और ये तो कितने एंगल पर है, 90, ये और ये कितने एंगल पर है, 90, तो 30 हो गया, राइट? सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन 60 का कंपोनेंट वर्टिकल निकालो, बोलो क्या होगा, जी साइन 60 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इनटू कॉस ऑफ 30, कंपोनेंट कॉस 30, आंसर। ये इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे आने की, ये है नीचे आने की अलोंग द इंक्लाइन, और ये है वर्टिकल, इसका कंपोनेंट ऐसे, इसका कैसे, ऐसे, अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, ये कितना 60, तो अगर ये 60 तो इसका कंपोनेंट नीचे क्या बनेगा, जी साइन 30 का कंपोनेंट क्या बनेगा, पीछे क्या लगेगा, कॉस 60, कोई डाउट इसमें? अब इन दोनों एक्सेलरेशंस को माइनस कर लेना तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी जी साइन 60 कॉस ऑफ 30 माइनस जी साइन 30 कॉस ऑफ 60, बड़े में छोटा माइनस करके आंसर निकाल लेना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ऐसे किया, ओके। अब इसकी बजाय ये तो एक कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक्स एक शॉर्टकट लगाती है, मैं शॉर्टकट दिखाता हूं, यहां तक क्लियर है?
ठीक है, शॉर्टकट ऐसा है, सपोज आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन होने वाली है। वर्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर अगर ये थीटा, तो बोलो ये कितना थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा जी साइन स्क्वायर थीटा, शॉर्टकट है, नोट फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी कर लेना है बना के, वर्टिकल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन स्क्वायर थीटा। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन था, एक में एंगल 60 था, एक में 30 था, सीधा शॉर्टकट जी साइन स्क्वायर 60 माइनस जी साइन स्क्वायर 30 इज द आंसर, खत्म।